यूनिफॉर्म सिविल कोड और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा पेशाब की घटना सामने आई है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज कई आदिवासी संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि तमाम जो आदिवासी संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज का घेराव करना चाहिए। सीधा आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। बीजेपी कार्यालय का घेराव का वान क्या है? देखिए, हम तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के तो आप सबने देखा कि वहाँ जो बीजेपी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं की बल्कि एक मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पैर छुए, क्या कहते हैं, पैर धोए और फिर माफ़ी भी मांगे। और जिन्होंने जो इस प्रकार के कुकृत्य किया था उसके ऊपर कार्रवाई किए, उनके घर तक को तोड़ा गया। मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है, उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं ही हैं। और दूर की बात छोड़ दीजिए, जहां उनकी कर्मभूमि रही है, दुमका है, बरहेट है, जहां पर महिलाओं को पेट्रोल से आग लगा करके जला दी गई। और बरहेट में तो एक प्रिमिटिव ट्राइब्स पहाड़िया को कितनी 50 टुकड़ों में काट करके उसको फेंक दिया गया और उनके घर में मुख्यमंत्री जी अब तक गए नहीं, उनकी शुद्धि लेने को गए नहीं। तो जो भी आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यालय को घेरने की बात कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से सलाह है, उनको तो जाना चाहिए हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। उमेश कच्छप की हत्या के बारे में आप सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड होने को मजबूर हुए थे, उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट गए हैं पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है, क्यों नहीं दे रही है सीबीआई को? तो उन लोगों को वहां जाना चाहिए जहां उमेश कश्यप की जो हत्या सुसाइड किया है फांसी लगा करके धनबाद जिला में, तो उसमें से उनकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, वहां उनको जाकर के इस मांग को करनी चाहिए। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके परिवार को हाईकोर्ट में जाकर के सीबीआई जांच की गुहार लगानी पड़ रही है। तो ये राजनीतिक नौटंकी इन लोगों को बंद करनी चाहिए। जहां और बीजेपी तो शुरू से इस बात को मानती है न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है, और मोदी जी बार बार कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो भी गलत करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ जिसकी सरकार चल रही है, जिनके इशारे पर ये सारे लोग नाच रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ जा करके वहाँ प्रदर्शन करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।